राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप ही के चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जिनमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से, और ख़ास तौर से वो लोग फंसे हुए हैं जो कि हायर लेवल पे ले लिए, यह जानते हुए कि जब कोई भी शेयर एक बार अपनी रैली कंप्लीट करता है तो देन उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आना तय होता है, चाहे वो कोई भी शेयर हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये वीडियो है इसे पूरा ज़रूर देखें, ऐसा ना हो कि केवल आधा देखें, आधी बातों को समझें, थंबनेल देख करके बाई सेल कर लें। तो ये भैया बार बार मैं समझाता हूँ लाइव सेशन में भी टेलीग्राम पर भी कि थंबनेल लगानी मजबूरी है, क्योंकि बिना थंबनेल के काम नहीं चलने वाला। अन्यथा मैं तो डायरेक्टली लिखता कि जो लोग पुराने होंगे वो समझ सकते हैं मैं क्या लिखता। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें, देन उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए कोई बाई सेल का डिसीजन लेंगे, अन्यथा नुकसान होने के तत्पश्चात। खास तौर से मैं मेंबर्स और पुराने सब्सक्राइबर लोगों को एक भी जवाब नहीं दूंगा, नए लोग को एक बार माफ़ कर सकता हूं, क्योंकि भाई मेहनत लगा करके यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूं, आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उस मेहनत में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें, पीछे ना जाएं। ठीक है, तो हम लोग मुद्दे पे चलते हैं कि ये कुछ ऐसे शेयर रहेंगे जिनमें काफ़ी लोग फंसे हैं, काफ़ी लोग अभी भी मल्टी बैगर तलाश रहे हैं कि इस बार तो एकदम सिक्सर मारना है, काफ़ी लोग एवरेज करना चाहते हैं। क्योंकि भाई ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि ज़्यादातर टीवी पे मतलब हो हल्ला मचने लगता है कि अब इसमें तेज़ी आएगी एक बार फिर से। मे भी हो सकता है कि तेज़ी आए और प्रत्येक शेयर 30-50% तक भाग जाए, तो वो 30-50% जब भागेगा तो वो उनके लिए भागेगा जो लोग नई एंट्री करेंगे ब्रेकआउट पे। ध्यान रखिएगा बातों पे कि मैं भी यदि कह रहा हूँ कि नहीं फला शेयर में एंट्री कर लीजिए, तो वो मैं ट्रेडिंग बिहेव से बोल रहा हूँ, केवल ट्रेडिंग बिहेव से। इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है इन सारे शेयरों में, एक या दो शेयरों को छोड़ करके, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बाकी सारे शेयरों में जिनमें संभावना बनती है उनमें केवल ट्रेडिंग के लिए आप एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और जो लोग ऊपरी लेवल से फंसे अभी तो एवरेज बिल्कुल नहीं करेंगे, एवरेज करने वाला जो लेवल उनका है वो बता दिया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात, दोबारा न फंसे। ट्रेडिंग का मतलब एक ही चीज होता है, तुरंत स्टॉप लॉस, और हायर लेवल पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है किसी कंपनी के कि वो कंपनी ओवर भाग गई हो, 10-5 गुना हो गई हो और आप जा करके उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दें। अब लोग कहेंगे सर रिलायंस भी तो 500 गुना भाग गया। अरे भाई 500 गुना भागा होगा तो वो नीचे भी गिरा होगा, जब वो स्टेबल हो जाए फिर दोबारा रैली स्टार्ट करे तब उसके फंडामेंटल को देखते हुए। और ये जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ उनमें से 80% के फंडामेंटल तो डवाडोल ही हैं, 20% के फंडामेंटल थोड़े ठीक ठाक आप मान सकते हैं, बट 80% के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। केवल ऑर्डर बुक वाले चक्कर में लोग इसमें फंस गए, क्योंकि रैली वन साइडेड हुई थी पीएसयू सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर की, उसी में लोग फंसते चले गए और एक लंबे समय तक फंसे रहे। आपके सामने स्क्रीन पे काफ़ी देर से टीटागढ़ रेल सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं टीटागढ़, हाँ उनमें से एक शेयर टीटागढ़ भी है, और ऐसे ही कई शेयर आप लोगों के सामने फ्लैशबैक होते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं मुद्दे पे। टीटागढ़ रेल सिस्टम 702-1896, ये तो 52 वीक का है, लेकिन हम लोग पूरा देखेंगे 5 साल का डाटा। ये 5 साल का डाटा है, यदि 2020 से देखा जाए तो ये लगभग था टीटागढ़ 10-15 रुपए के आसपास, 5 सालों में ये कहाँ पहुंच गया 1800, तो करीब करीब देखा जाए तो 20 दहा में 290 गुना भाग गया टीटागढ़। 2022 से देखा जाए 100 रुपए से तो 18 गुना भाग गया। अब 18 गुना भागने के बाद जो लोग यहां लिए हैं उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन जो भैया लोग यहाँ लिए, ठीक है, इनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ तक गए, प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते थे।
लेकिन अब सोचेंगे कि ये वाली रनअप अब यहां से मिले तो ये असंभव है, अब नहीं मिलेगा, गेम बहुत बड़ा चलता है हायर लेवल पे। ठीक है, समझने का प्रयास करें। 1800 के ऊपर गया, लगभग 1900 के आसपास से धड़ 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 गिरते हुए चला आया 1000 के आसपास। मतलब देखा जाए तो अब नीचे से इसे 1900 जाने के लिए 90% बढ़ना होगा। 1000 वाला शेयर अब 90% बढ़ेगा तब ना 1900 पहुंचेगा। लेकिन ऊपर से कितना करेक्ट हुआ है, करीब आसपास 50%। ये स्थितियां होती हैं, यदि कोई शेयर ऊपर से 50% गिरता है तो उसे वही अचीवमेंट पाने के लिए 100% बढ़ना होता है। टीटागढ़ में जो लोग फंसे हैं वो लोग निकलने का मौका मिलेगा, निकल जाएंगे। खास तौर से यहां वाले लोग, यहां वाले लोग, उनके लिए एक संभावना बनेंगी कब, जब ये 1400 के ऊपर निकलेगा तब। 1400 के नीचे किसी भी प्रकार से टीटागढ़ में न तो ट्रेडिंग के लिए, न ही इन्वेस्टमेंट के लिए, न ही किसी और चीज के लिए बाई है, नो बाइंग। अब 1000 से 1400 के बीच में जिन्हें उल्टा सीधा हरकत करना हो, गेम बनाना हो भैया, जबरदस्ती एंट्री करना हो, वो अपना देख लें। ये मैं इसलिए नहीं बनाया हूं कि आप लोग फिर से गलतियां करें, मैंने इसलिए बनाया है वीडियो कि आप लोग दोबारा गलतियां ना करें। ट्रेडिंग वाले भैया लोग 1400 के बाद एंट्री करेंगे, 1600 1800 के दो टारगेट मिलेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 1300 का। ठीक है, अगला स्टॉक GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बहुत तूफानी तेजी, इसमें भी वही हालत है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, यहां से देखा जाएगा 5 साल का डाटा। ये लगभग 2020 में यह 100 रुपये के आसपास था, 2800 पहुंच गया, 2800 के बाद सीधे 1500, मतलब 50% स्वाहा, देन उसके बाद थोड़ी इसमें मूवमेंट आ रही है गार्डन रिच शिप बिल्डर में। तो जो भैया लोग टॉप लेवल पे बधे हुए हैं वो लोग एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे एकदम। मेंबरशिप वाले लोग, जो लोग एवरेज करना चाहते हैं 2020 के बाद, और ट्रेडिंग करने वाले लोग, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि नहीं एक बार हम भी GRSC का स्वाद चख ही लें, तो वो लोग भी 2020 के बाद एंट्री करेंगे। 2250, 2500, 2700, दो तीन टारगेट मिलेंगे आपको। स्टॉप लॉस आप रखेंगे सीधे सीधे 1900 रुपये का, 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस कंपल्सरी है। लेकिन बाई सेल करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है। ठीक है, ये मैं अपना स्टडी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, एक प्रकार से बस ये मानिएगा। इस लेवल पे GRSC में भी कुछ नहीं करना है, देखना है केवल। ये 1500 से 2000 के बीच में आप एंट्री मत करिएगा भूल करके भी, लेकिन ये तब तक मान्य है जब तक ये 1500 के नीचे नहीं आया है। अब ये 1500 के नीचे आ जाएगा तो नियम कानून चेंज हो जाएंगे। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं फिलहाल 1500 के ऊपर है, इसलिए मैं बना रहा हूं। नीचे आने के बाद कोई गारंटी नहीं, इसलिए तो मैंने 2000 का लेवल दे दिया आप लोगों को, ताकि 2000 तक आप लोग सुरक्षित रहें। ये 2000 के ऊपर वाले लोग कोशिश करेंगे 2000 के बाद एक बार छोटी क्वांटिटी एवरेज करके निकलने का प्रयास करेंगे। कोई इसमें दोबारा फंसेगा नहीं, एक बार में शेयर को नीचे नहीं लाया जाता है। ट्रेडिंग भी है 2020 के बाद एंट्री करिए, वही 2250, 2500, 2700 के तीन टारगेट आपको मिलेंगे, प्रॉफिट बुक करिए। जय जय सियाराम। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तीसरा स्टॉक ये है मझगांव डॉक, 2020-21 में 200 रुपये का था, कहाँ पहुंच गया, लगभग 6000, 30 गुना बढ़ गया। 20 रुपये का स्टॉक 30 गुना बढ़ गया, अरे 200 रुपये का स्टॉक, सॉरी हाँ 200 रुपये के आसपास का स्टॉक 30 गुना बढ़ गया। तो वहाँ से गिरावट तो आएगी ही, वो गिरावट आई, 6000 वाला स्टॉक आ गया 4000 पे। अब इसमें क्या आ रहा है देख रहे होंगे, धीरे धीरे इसमें रनअप स्टार्ट हो रहा है। तो अभी क्या करना है, वेट करना है। नए लोगों को तो एकदम वेट करना है, पुराने लोग जो ऊपरी लेवल से फंसे हैं वो लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे क्वांटिटी हाफ करने की, पहले कम करेंगे क्वांटिटी, देन उसके बाद थोड़ा मोड़ा बचता है तो आप प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, पूरी क्वांटिटी एक ही बार में मत सेल करिएगा, नहीं तो मेहनत में कभी कभी पानी ये फिट जाता है कि आप खरीदे 100 रुपये पे, हो गया 70, आ गया फिर 100, बेच दिए हो गया 120, तो वो वाला सिचुएशन ना आए। तो आधा क्वांटिटी हटाइएगा, आधे क्वांटिटी से होल्ड करके इसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आइएगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए मझगांव डॉक नहीं है। ठीक है, ट्रेडर भैया लोग 5000 के बाद एंट्री करेंगे, 5500 का टारगेट, ओनली वन टारगेट, ऊपर जाएगा फिर देखा जाएगा। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे,
4750 रुपए का, थोड़ा सा ये हाई वोलेटाइल शेयर है इस वजह से। चौथा स्टॉक रेलटेल, 2020 में लगभग ये था 100 रुपए के आसपास, मान लीजिए मोटी मोटा 2021 में 100-150 रुपए के आसपास था, 600 रुपए गया, 4 गुना हुआ, देन वहां से ताबड़तोड़ गिरावट, और ये अभी गिरावट ठहरने वाली नहीं दिखाई दे रही है। तो रेलटेल में क्या करना, जो ऊपरी लेवल से लग फंसे हुए लोग हैं वो लोग तो भाई 350 का स्टॉप लॉस फिलहाल लगाएं इच्छा अनुसार, नहीं तो वेट करें। नए लोग तो इसमें एंट्री करेंगे ही नहीं, 520 के बाद नए लोगों के लिए इसमें कोई संभावना है 520 के बाद, ये तब है आज के अनुसार जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। यदि नीचे चला गया कहीं ये 300 आ गया तो नियम कानून बदल जाएंगे, बार बार मैं ये कहता हूँ। रेलटेल में भी वही हालात है, स्थिति बहुत खतरनाक है, लॉन्ग टर्म के लिए भूल करके भी 154 मत डालिएगा, ट्रेडिंग के लिहाज वाला मैं बता रहा हूँ 520 के बाद, ठीक है। पांचवा स्टॉक, ये है पांचवा स्टॉक RBNL, काफ़ी चर्चित शेयर, लगभग 20 रुपए के आसपास का शेयर, 600-650 रुपए पहुंच जाता है। मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए चिल्लाता रह जाता हूं यहां पे, जून जुलाई का वो समय था, मैं बोलता रह जाता हूं, जो लोग माने होंगे वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, नहीं माने होंगे वो आज भी बेचारे झेल रहे होंगे, और अभी कब तक झेलेंगे कोई गारंटी नहीं है। फंसे हुए लोग शांति से इंतजार करेंगे, नहीं तो 300 का स्टॉप लॉस यूज करेंगे। नए लोग, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम RBNL का स्वाद चखना चाहते हैं, काश एक बार RBNL में एंट्री मिल जाए, वो लोग 537 रुपए के बाद एंट्री करेंगे 600 के टारगेट के लिए, बस बात खत्म वहीं पे हो जाती है। इफ नो बट कुछ नहीं, स्टॉप लॉस रखेंगे 500 रुपए का, प्रॉफिट बुक करें, घर आइए, आनंद लीजिए, नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। छठा स्टॉक IRFC बाबा जी, ठीक है, काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट, तोड़फोड़ रिटर्न इन्होंने भी दिया था, बाकी में बाद में इन्होंने जनता को ही तोड़ दिया, ठीक है। लगभग 2020 के आसपास 20-21 रुपए का शेयर, 200 पहुंच जाता है, 10 गुने का रिटर्न 5 साल में, देन उसके बाद एक ताबड़तोड़ गिरावट 140 रुपए के आसपास आ जाता है, लगभग 30-40% स्वाहा। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई यह नहीं कहेगा कि नहीं बताया गया था, सेम वही डायलॉग रहेगा, आप लोग समझ ही रहे हैं, पुराना मैं बता चुका था। उसके बाद भी जो लोग इसमें फंसे पड़े भाई, फंसे रहे, नई बाइंग तो करनी ही नहीं है, फंसे हुए लोग बस केवल इंतजार कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ये काम आप कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है आपके पास, इंतजार और प्रार्थना। हाँ, नए लोग जो चाह रहे हैं नहीं मैं IRFC में एक बार थोड़ा सा ही सही 10 रुपए का ही प्रॉफिट गेन करना चाहता हूं, वो लोग एंट्री करेंगे 200 के बाद, 200 के पहले कुछ नहीं करना है, एकदम छोड़ दीजिए, यहां से जाने दीजिए, बस ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। अब लोग कहेंगे सर 60 रुपए तो मेरा खा गए, मैं नहीं खाया भाई, शेयर खा जाएगा आपका, झूठ मूठ का कहीं आप फंसे, नीचे आ गया, लुढ़क गया, प्रॉफिट नहीं मिल पाया, तब क्या कर पाएंगे बताइए। तो 200 के ऊपर निकलने के बाद ही IRFC में एंट्री होगी, एवरेजिंग जिन्हें करना होगा वो मैसेज करेंगे, मैं उनको बता दूंगा कब एवरेजिंग करना है, ठीक है। सातवां स्टॉक इरकान भैया, ठीक है, इरकान भैया अभी आप लोगों का हालत पंचर करके रखे हुए हैं, 2020 में इनकी कीमत थी लगभग 300 रुपए, बढ़ करके हो गई 350 रुपए, लगभग मान के चलिए कि 12-13 गुना ये भी हो गए, देन उसके बाद यहाँ से धर 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 लगातार नीचे की तरफ गिरावट, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम का स्पॉट से आया, जिससे कि लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ से ये हो सकता है अगला मल्टी बैगर के चक्कर में पड़ने से पहले ध्यान देंगे, जो लोग ऊपर अटके हुए हैं उनकी सांसें अटक गई हैं, क्या करें क्या ना करें, तो वो भैया लोग तो अपना भाई देख लें 175 का स्टॉप लॉस लगा करके। दूसरा, जो लोग नया एंट्री लेना चाहते हैं, स्वाद चखना चाहते हैं 300 के बाद, इरकॉन में 300 के बाद आप स्वाद चखिएगा, ट्रेडिंग के लिहाज से अभी नहीं, फंसना होगा तो आप जहां मन में आए तहां फंसिए, ये मेरा व्यक्तिगत नॉलेज है भाई। कुछ लोग कहते हैं सर आपने ऐसा क्यों बता दिया, आप क्यों ऐसे बोल दिए, तो भैया ये मैं अपने बता रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लीजिएगा ना, मेरा पहला सिद्धांत पैसा गंवाना नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई शेयर बता दिया प्रॉफिट में तो वाह वाह बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया है, मैं बहुत एक्यूरेसी देता हूँ, लॉस हो गया तो मैं भाग जाऊँ, फोन ना उठाऊँ आपका, ये गलत बात है।
मेरे मेंबर्स को मैंने एक शेयर के बारे में बता दिया, जिनके पास है नहीं है वो लोग निकल जाए। ठीक है, सातवां स्टॉक ये है राइट्स। नाम तो इनका राइट्स है लेकिन काम रॉन्ग कर दिए हैं। ठीक है, 2020 में लगभग 100 रुपये के आसपास थे, 400 रुपये पहुंच गए, 4 साल में 4 गुना। सोचिए इतना साला FD में रिटर्न नहीं मिलता है जितना यहाँ मिल गया है बिना। ये मैं फंडामेंटली यहाँ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ओनली टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल अगले वीडियोस में या मेंबरशिप वाले लोगों को मालूम होगा ऑलरेडी। राइट्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है एकदम, ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। 405 के पहले, जब तक 405 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेडिंग नहीं करना है एकदम। फंसे हुए लोग क्या करेंगे, निकलने का प्रयत्न करेंगे किसी भी तरीके से, क्वांटिटी हल्की करते चलें, बाकी थोड़ा क्वांटिटी होल्ड कर दें, हो सकता है कि आपका किस्मत चटक जाए, भगवान भरोसे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है राइट्स में। राइट्स की हालत हमारे हिसाब से अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ी ठीक है, बट वेट करना होगा इसमें। आठवां स्टॉक बहुचर्चित शेयर इरिडा, 50 रुपये से 300 रुपये पहुंच गया। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट यहां बुक किया होगा, जिक्र हुआ था पुराने वीडियोस को, लाइव सेशन को, टेलीग्राम को देख लीजिएगा, तब आकर के यहां बुक कीजिएगा, अन्यथा मैं ब्लॉक करूंगा सीधे। ठीक है, वहां से गिरावट आती है, लोगों में पैनिक, अब क्या करें, वही पुराना डायलॉग। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना, होल्ड करें। इरिडा और रीट्स ये दोनों ऐसे शेयर हैं जो थोड़े आपके लिए अच्छे शेयर हैं, इनमें आप परेशान थोड़े कम भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इरिडा में क्या करना है, नए लोगों को जो एंट्री करनी है वो 240 के बाद, ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट 260, दूसरा 280, तीसरा 300। पोजिशनल बाइंग कब करनी है, 300 के बाद, 300 के पहले पोजिशनल बाइंग मत करें। ऊपर के फंसे हुए भैया लोग घबराएं मत, आप लोगों को जल्दी निकलने वाली स्थिति आ सकती है, लेकिन नई बाइंग अभी नहीं करेंगे इरिडा में। दसवां शेयर ये है भेल भैया। ठीक है, काफी चर्चा में रहे भेल, और इनका फंडामेंटल तो जग जाहिर है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, इतना दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का ना, क्या मैं बताऊं। 20 रुपये से सीधे 320 पहुंच गए। ठीक है, 20 में 20 रुपये थे, 2020 में 20 रुपये थे और 2024 में 320 पहुंच गए, तो इनका परफॉर्मेंस तो सोचिए क्या रहा होगा, 16-17 गुना हो गए थे ये। ठीक है, बाद में इसमें गिरावट आ गई है और फिर से ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। नए लोग ट्रेडिंग के लिहाज से 300 के बाद एंट्री करेंगे, 325-350 के टारगेट के लिए। पुराने लोग शांति के साथ बने रहें, आप लोग निकल जाएंगे एक बार, दोबारा इसमें मल्टी बैगर के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लीजिएगा। 11वां और आखिरी शेयर ये है BEL, इरिडा, BEL और रिट्स। ये तीन शेयर ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा सब्र रख सकते हैं, बाकी अन्य किसी में नहीं। BEL में जो लोग बने हैं, बड़े पड़े हुए हैं, वो लोग शांति से होल्ड करें, नीचे के लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी का होल्ड रखेंगे, घबराएंगे नहीं। नई एंट्री जिन्हें BEL में लेनी है वो लोग 310 के बाद, 340 350 के दो टारगेट आपको मिलेंगे BEL में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, ओवर ट्रेडिंग से बचें, PSU सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में पोजीशन बनाने से बचें, प्रयास करें इससे दूर रहें। ये तीन शेयर में भी आप लोग को लेवल बताए गए हैं, उन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एकाध दो शेयर जो छूट गए हैं मैं जानता हूं, बाद में उन्हें मैं कवर कर लूंगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत परेशानी हो बिल्कुल पूछिएगा दिल खोल करके, लेकिन गलतियां करना कम करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करिए, साथ साथ प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा दान पुण्य कर दिया करिए आप लोग। धन्यवाद, राम राम।